सत श्री अकाल दोस्तों, मैं धर्मा हरिओ, तुसी वेख रहे हो औरंग पंजाब दे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जिस तरह वख-वख देशां दे विच कबड्डी टूरनामेंट ने जिहड़े हो रहे हैं, क्योंकि पंजाबी कह लिए विदेशी कह लिए साडी मां खेड कबड्डी नूं बहुत प्यार करते हैं, तो उस तरह ही आपां गल करिए एशियन कबड्डी फैडरेशन सर्कल स्टाइल दे साडे चेयरमैन साहब श्री हेमराज जी साडे नाल ने। इन्हां दी टीम दी, इन्हां दी फैडरेशन की किस तरह की रूपरेखा होगी आने वाले समय के, कित्थे कित्थे टूरनामेंट होणगे, डॉप के बारे दे विच सिलेक्शन किस तरह होनी है, आपां सारियां गल्लां बातां करांगे। ते नाल ही साडे कोच राणा जी ते सरदार बलजीत सिंह जी वो सारे नाल ने। आओ फिर करदे आं गल्लबात। हाँ जी, सब तो पहला तो चेयरमैन साहब साडे चैनल दे वल्लों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सो जिस तरह वख-वख देशां दे विच हर थां ते टूरनामेंट हो रहे हैं जी कबड्डी दे सर्कल स्टाइल दे, ते अपनी जिहड़ी एशियन कबड्डी फैडरेशन है सर्कल स्टाइल उहदे तुसीं चेयरमैन हो जी, ते की रूपरेखा जी अगे तुसीं कित्थे कित्थे टूरनामेंट करवा रहे हो? साडा तां एशियन कप दा चल रहा जी, उहदे विच साडे उहदे मतलब साडे सरवर राणा जी साडे जनरल सैकटरी उहनां नाल साडी मीटिंग होई जी। मीटिंग करके असीं जाणा थोड़े देर च असीं दुबई जावांगे जी। उह दुबई होगी मीटिंग, इत्थे इंडिया आ नहीं सकते हले, वीज़ा नहीं मिलिया जी। दुबई साडी मीटिंग, उहदे च असीं साडी टीम जाएगी, दो चार बंदे असीं जिन्हें भी आए अं जावे जी। वो जिदा डिसाइड करते हैं साढ़े हूँ पिछे साढ़े फैडरेशन तो मलेशिया तो दुबई तो अपने इंडोनेशिया तो कनेडा तो काफ़ी साढ़े भरा आए थे जोड़े साढ़े एसोसीएशन के नाल साढ़े ना जी। उन्हें प्रमोटर भी सी जे कहे हूँ कहते मलेशिया करा दो, कोई कहते साढ़े मरीला करा लो, असी जोड़ा चाहते हैं असं दुबई करवाना चाहते, पर बट भी असं उन्होंने सरवर जी तो पिछे वगैरह से नहीं करते, उन्होंने बैठ के डिसाइड करांगे, जो कहेंगे असी उदा ही करांगे। भी सानू जे दुबई कह दुबई जाके हुण जाऊंगे तो असी इत्थे ग्राउंड भी देखने, सारा कुछ देख के बच्चों के रहने का खाण पीण का सारा इंतजाम करके फिर असी दुबई देखते हैं। जे उत्थे नहीं बाई दे एक 2% नहीं हुंदा कोई इदां दी गल, फिर असी देखा अदर कंट्री कित्थे करना है जी। अब फिलहाल साडा दुबई दा ही है भी दुबई च कराया जाए, पहला कप दुबई च अच्छा हो जाएगा, बच्चों को रहने भी ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा जो करोना का चलता कुछ यह ठीक रहे, परमात्मा यदि मार ना मारे, बाकी सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, तो कदों हो रहा जी, कि महीने असी ये सोच रहे सितंबर अक्तूबर के एंड ऑफ अक्तूबर या मिड ऑफ अक्तूबर के सोचते हल सोचते, बाकी डिसाइड वो करेंगे उसे बैठ के, अभी सारे जने बैठ के करेंगे, सलाह करूँगे जी, उन्होंने बैठ के डिस्कस नहीं करूँगे, उधर वो भी आएंगे, जो उन्होंने कहेंगे फिर उदे करूँगे। साढ़े जो बनता अगर मौसम ठीक हो जाएगा, हम गर्मी बहुत है, हाँ साढ़ा तो हूँ ही बनता सी 10, 11, 12 जुलाई में, उन्होंने दिन बकरीद है, बकरीद फिर बट भी टाइम बड़ा घट है, टाइम घट होने करके असं थोड़ा अगर बधा चाहते, गर्मी बहुत है जी, बच्चे रोना जाना उत्थे तो गर्म अच्छे तो अपने घट है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है जी। भी वो चाहते भी थोड़े अगर मीह मूँह पैके ठीक हो जाता मौसम, हाँ जी अगस्त तो बाद मौसम ठीक होना चाहिए, अगस्त सितंबर अक्तूबर के अभी करा दो, क्योंकि फैसटिवल भी देखने, फैसटिवल तो पहला हो जूगा, जो फैसटिवल अक्तूबर से खत्म ने फिर आप नवंबर टप्पांगे जी। फैसटिवल देखना देखा जी कैलेंडर, असं अपने को देख के फिर उन्होंने सलाह करके जिदा भी होगा अभी वो करा जी। तो सिलेक्शन है जी खिलाड़ियों की, वो किस तरीके करोगे? इंडिया जिन्हें भी एसोसीएशन ने जिड़िया मच्योर कबड्डी फैडरेशन के नाल अटैच ने, हाँ जी ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के नाल अटैच ने, अपने साई के नाल अटैच ने, असी उन्होंने सारिया फैडरेशन असी लैटर पावे, जो बच्चे आने कुड़िया के मुंडे दोनों की असी सिलेक्शन वो अकॉर्डिंग करा। मैनज का असं पहला करावे, गर्ल्स का असं वूमैन का बाद करावे। सीनियर जी? सीनियर जी, सीनियर हो गए कुड़िया के मुंडे का जी। तो एक जो सब तो बड़ा मुद्दा कबड्डी के चल रहा है डॉप का जी, तो वो फिर किस तरह करोगे? वो दस दें सब जी। जिस तरह सर ने दसिया भी जी सिलेक्शन की जरा जो प्रोसैस है वो सारा करने तो बाद जो टीम सिलेक्ट हो जाएगी, वो बाद नाडा तो असं टैसट कराते हैं, दिल्ली तो टीम आती है वो टैसट करती है, जोड़े भी बच्चे टैसट तो क्लीयर होंगे हैं, असी जिस तरह सपोज करो 14 बच्चों ने जाना है, असी 25 बच्चे या 30 बच्चे सिलेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैरिट, तो जोड़े भी बच्चे नाडा तो टैसट क्लीयर करते हैं वो अगे प्रोसैस के जाते हैं, अदरवाइज जोड़ा बच्चा फेल हो जाता है उन्होंने आप अगर लेकर नहीं जाते। ये टीम का एसोसीएशन का प्रोसैस है एक कुड़ियां टेस्ट कुड़ियां भी होंगे मुंडियां भी होंगे।
जी सेम प्रोसीजर है जी। तो एक ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप करवा रहे हो जी? ऑस्ट्रेलिया जरा एक्चुअली मैं थानू क्लीयर करना चाहता जिहड़े वर्ल्ड कप हैं जिहड़े ये वर्ल्ड कप कनेडा दे विच भी होंदे इंग्लैंड दे विच भी होंदे ऑस्ट्रेलिया दे विच भी होंदे ईवन होर कंट्री दे विच भी रख देंदे कबड्डी कप कबड्डी वर्ल्ड कप पर जिहड़े एक जेन्युइन वर्ल्ड कप है वह किसी एसोसीएशन दे अंडर या आपां कह सकते इंटरनेशनल कबड्डी फैडरेशन या एशियन कबड्डी फैडरेशन या एमेच्योर कबड्डी फैडरेशन दे अंडर जिहड़ी यूनिट है जी वो वर्ल्ड कप कराते हो। वर्ल्ड कप हर साल तो होंगे नहीं, तुम देखो हूँ इन्ना टूनामेंट चल रहा है इंग्लैंड भी कनेडा दे भी यूएस दे भी उन्होंने रखे वर्ल्ड कप पर ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज इन द सेंस प्लेयरों को कोई बेनीफिट नहीं है, उन्होंने बेनीफिट है बस कैश का, उन्होंने पैसे मिल रहे हैं किसी 10 लाख मिल रहे हैं किसी 5 लाख मिल रहे हैं किसी पर कैश का 3 लाख मिल रहा है पर जिहड़ा जेन्युइन वर्ल्ड कप है किसी एसोसिएशन के फैडरेशन के अंडर है उसके विच ना तो इन्ना कैश प्राइज होंगे भी पर कैश के इन्ना पैसा मिल रहा है या प्रमोटर इन्ने होंगे जोड़े होंगे प्रमोटर होंगे एक्चुअली सॉरी प्रमोटर नहीं मैं कह सकता जोड़े स्पोंसर होंगे वो एक सिस्टमैटिकली पैसे डिवाइड करते हैं भी कि पैसा किसू जाएगा वो एन नहीं है भी जिस तरह आप देसी टूनामेंट के ला लें भी एक कैश दे जी 50,000 लग गए 60 लग गए लख लग गया 2 जफ्फे लग गया वो एक अलग सिस्टम है ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ ਕਰਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ 5 ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੇਅਰ ਨਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਾ ਹੋਮ ਨਾ ਸਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਨੇਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਚਲੋ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ।